अब्राहम के संग परमेश्वर को वादा। जल प्रलय होने के कई साल बाद संसार में बढ़ के बहुत लोग रहत होती और हुन्ने दोबारा से परमेश्वर के खिलाफ और एक मेघ के खिलाफ पाप करी। काया की ही सपाई लोग एकज भाषा बोलत होती, एके गुना ही एक संग जमा भइन और संसार को भर देन के गुना परमेश्वर के आदेश बिना दिए एक शहर को बनाइन ही बहुत घमंडी होती और उनको कसो जीवन जिए पाइजे एके बारे में ही परमेश्वर को आज्ञा को पालन करनो नी चाहत होती। यहाँ तक कि उनने एक 80 ऊंची मीनार को बनानो शुरू करीन जो आकाश तक पहुँचे। परमेश्वर ने देखिस कि अगर ही एक संग मिल के बुराई करत रहे तो ही बहुत से पाप के कामनाउन को भी कर सकता है। एके गुना परमेश्वर ने उनकी भाषा को कई भाषा में बदल दे और ही लोग ना उनको पूरे संसार में बगरा दे। जो शहर को उनने बनानो शुरू कर रहे होती हु बाबुल कहलाई, जेको मतलब है गड़बड़ी। कई साल के बाद परमेश्वर ने अब्राम नाम के एक मानुष से बात करी। परमेश्वर ने ओके से कहिस अपने देश और परिवार को छोड़ के वो देश को चलो जा जो मैं तो को दिखाऊं, मगर तो को आशीष देऊं और तोरे से एक बड़ी जाति बनाऊं। मैं तोरो नाम महान करूं, जो तो को आशीष देहे मैं वो को आशीष देऊं और जो तो को श्राप देहे वो को श्राप देऊं। तोरे कारण संसार के सप्पाई पीढ़ी आशीष पाए। एके गुना अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानिस। ओने अपने सपाई सेवक नाउन और अपनो पूरो धन दौलत को अपनी लुगाइन सारे को लेके और हु कनान देश को चलो गईस जो परमेश्वर ने ओको दिखाए होतीस। जब अब्राहम कनान देश पहुंचिस तो परमेश्वर ने ओके से कहिस अपने चराई की ना देख, मैं तो को यो पूरो देश दे देऊं और तोरे पीढ़ी हमेशा के गुना एके पे अधिकार रखे। तब अब्राम हु देश में बस गईस। मलिकिसिदिस नाम को एक मानुष होतीस जो सबसे बड़ो परमेश्वर को याजक होतीस। एक दिन जब अब्राम लड़ाई करन के बाद आत होतीस तो हु और अब्राम मिलिस। मलिकिसिदिस ने अब्राम को आशीष देइस और कहिस सबसे बड़ो परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती को स्वामी है वो तो को आशीष दे। तब अब्राम ने लड़ाई में जीती गई सपाई चीज को दसमांस मलिकिसिदिस को देइस। कई साल बीत गईन पर अभी भी अब्राहम और सारय के कोई टूरा बारा नहीं होती। परमेश्वर ने अब्राम से बात करिस और दोबारा से प्रतिज्ञा करिस कि ओको एक टूरा होए और जैसे आकाश में तारा हत वसेच ओकी बहुत सारी पीढ़ी होए। अब्राम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करिस। परमेश्वर ने घोषणा करिस कि अब्राम एक धर्मी मानुष होतीस काया कि ओने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे विश्वास करे होतीस। तब परमेश्वर ने अब्राम से एक वाचा बांधिस। साधारण रीति से एक वाचा दो दल के बीच में एक मेक के गुना काम करन को एक समझौता हुए। परमेश्वर ने अब्राम से वह प्रतिज्ञा तब करे होतीस जब अब्राम सोत होतीस पर हु तब भी परमेश्वर को सुन सकत होतीस। परमेश्वर ने कहिस मैं तोरे शरीर से पैदा करके तो को एक खुद को टूरा देऊं, मैं तोरी पीढ़ी को यो कनान देश देतम, मगर अभी भी अब्राम के कोई टूरा नहीं होतीस।